हमसे केटीके नहीं बनते, क्या करूं? अगर आपसे केटीके बनाने में दिक्कत होती है तो मान, केटीके पहली बात तो अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं सारे के सारे, दे आर गुड लेवल प्रॉब्लम्स, कहने की जरूरत नहीं है, दे आर गुड लेवल प्रॉब्लम्स। अगर हम चाहें तो आपको आसान आसान सवाल देकर आपसे 10 के 10 या 8 के 8 केटीके बनवा दें, लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं आप रियल एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को फील करें। तो अगर आपसे 8 केटीके में से 2 या 3 होते हैं, 2 या 3 भी होते हैं, 2 या 3 भी होते हैं या 4 भी होते हैं, then it is good, it is something to celebrate। और जो आपसे 4 नहीं हुए तो उसके लिए दुखी मत हो यार, बाकी जब अगले दिन सॉल्यूशन आपको मिलता है उस सॉल्यूशन को अच्छे से देखें। मैक्सिमम जो मुश्किल केटीके होते हैं मैं क्लास में खुद सॉल्व कर देता हूं, लेकिन फिर भी जो बच जाते हैं इक्का दुक्का जो आपसे नहीं हुए, वह आप सॉल्यूशन देखें और समझें और देखें कि आपसे कहां दिक्कत हो गई, आपने ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आप बारीकी से देख नहीं पाए, या आप कहां अटक गए, या फिर कहीं आप इस स्टेप के आगे चलते तो शायद हो जाता। अक्सर बच्चे देखते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पाते, सर यहां तक तो कर लिया था बस, सर फिर इसके बाद मैंने गिव अप मार दिया, इसके बाद मैंने गिव अप मार दिया, अगर मैं थोड़ा और आगे चलता तो आंसर आ जाता। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यार मैं यहां तक कर लिया था, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ता तो आंसर आ जाता, तो ऐसी परिस्थिति में जब अगली बार आपके सामने केटी गया और आपका मन करे उसे छोड़ने का, तो याद करना वो पहली वाली बात कि उस समय मैंने वो क्वेश्चन वहां छोड़ दिया था, अगर आगे चलता तो आंसर आ जाता, तो शायद इसमें भी थोड़ा आगे बढ़ के देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो केटीके का कुल मिलाकर रोना खराब है कि रोना के केटीके नहीं बनते, बनेंगे धीरे धीरे करके बनेंगे। कई लोग सोचते हैं कि एक दिन में ही उनकी खोपड़ी इतनी विकसित हो जाए कि सारे सवाल हमसे बन जाएं, इतनी खोपड़ी आपकी कभी विकसित नहीं होगी, क्योंकि दुनिया की हर समस्या का समाधान तो शायद ईश्वर के पास भी नहीं है। तो दुनिया के हर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप लर्निंग फेज में है, हम भी लर्न कर रहे हैं, आप भी लर्न कर रहे हो, वी आर ऑल लर्निंग, और लर्न करते करते आप डेवलप होंगे धीरे धीरे। तो ये बात ध्यान रखिए।